तो नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और हेलो। सबसे पहले ना ज़रूरी है इसका फर्स्ट पार्ट देखना, तभी आपको मतलब कड़ी से कड़ी जोड़ पाओगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक्सप्लोरिंग इंडिया चैनल पे इसका फर्स्ट पार्ट है। बहुत अच्छी लोकेशन इन्होंने एक्सप्लोर करी है अभी, जो रियल शमशान घाट है यहाँ पर। लेकिन इनको कहीं वो बच्चों का शमशान घाट नहीं दिखा, जहाँ पर बच्चों का शमशान घाट दिखाया गया। हाँ, शमशान घाट नहीं दिखा, लेकिन आवाज आई थी, आवाज आई है बच्चों की। वो मैं बताऊंगा क्या थी आवाज। रोने की आवाज आई अभी। भाई जिसको भी वो रोने की आवाज सुननी हो ना, पहले तो अभी फिर आई आई ना, हल्की हल्की आई ना यार। ये है क्या सच्ची में, हमें शमशान तो मिला नहीं, लेकिन बच्चों के रोने की आवाज आ रही है बार बार भाई। सेम वैसी आवाज है जो दूसरे बंदों की वीडियो में आई है। हाँ बिल्कुल, डिट्टो वैसी है। एक ही बच्चा है क्या, वही रो रहा हो। भाई सुनो, एक काम करो, निकल लेते हैं, निकल लो भाई। मजा नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ लग रही है आज इस लोकेशन में, है ना। कुछ गड़बड़ इसलिए लग रही है ना, पता है बंदे है ना, जो हमारी वाली जो आवाज आई ना बच्चों की, ये बहुत रियल समझेंगे। रियल है क्योंकि उनको तो है ना साड़ों को एडिटिंग करनी भी नहीं आती ढंग से। तो भाई ये जो बच्चे की आवाज थी ना, ये इस भाई की करामात है। ये डालनी जरूरी थी क्योंकि आपको समझाना था। कंटेंट ही है पूरी इसी का, लोकेशन का। इसमें बच्चे की आवाज आई है, हुआ इसका इस चक्कर में बना रखा है। जो भी जा रहा है ना उसने यही टाइटल डाला, बच्चों की आवाज आई है। हम भी यही डालेंगे, लेकिन आवाज आई भी है। हम भी यही टाइटल डालेंगे, बट एक्सप्लेन करेंगे। जो भी खेल होता है ना सारा, वो होता है टेबल पे, यानी कि आफ्टर शूट, जैसे कि एडिटिंग पे। हाँ। तो एडिटिंग में वो आवाज डाली गई है। और जो बाप होता है ना, वो पकड़ लेता है बेटा क्या कर रहा है, तो वो हमने पकड़ लिया बेटे ने क्या किया है। दूसरी बात जो अब तक इन दोनों ने भी नहीं देखी, वो मैं बताता हूँ क्या सिस्टम है, वो सिस्टम क्या है। इन दोनों ने वहां से आए हैं जहाँ पर चिता जल रही है, एक चिता जल रही है, काली माता का मंदिर है। हाँ। और उसी को शमशान घाट भी दिखाया गया बच्चों का। हाँ। बताया गया उन्होंने, हमें तो मिला नहीं भाई। बच्चों का शमशान घाट तो है, लेकिन वो ये नहीं है, वो ये है, ये वाला है, ये है यहाँ पे ग्रेव। ये ग्रेव तो मैं दिखाता हूँ बाद में, पहले यहाँ पर ये बच्चों के ना सामान पड़े हैं थोड़े से। अच्छा देखो, ये खिलौने हैं, कैप और ये कपड़े पड़े हुए इधर सफेद कलर के। भाई ये किसी बच्चे की कबर है, ये हो सकती है भाई। और ये लग भी रही है। बच्चे को ना अभी अभी दफनाया है, मतलब इसको ज्यादा दिन नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर इसको दूध भी चढ़ाया हुआ है, ठीक है, और उसके कपड़े बेचारे के उधर फेंके हुए हैं, केले भी चढ़ाए हुए हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी ये अगरबत्ती वगरबत्ती भी पड़ी हुई है। तो बच्चों का कब्रिस्तान तो है ये, बट वो नहीं, ये है जहाँ पर बच्चे दफनाए गए हैं। और ये इन्होंने एक ये एक झाड़ी उसके ऊपर रख दी गई है, कोई ताकि कोई उसके ऊपर पैर ना रखे या फिर कुछ भी है, जो भी है। और लोग फिर भी बाज नहीं आते अपने कुकर्मों से। नीचे मार भाई टॉर्च, क्या गिर गया। बच्चों के शमशान घाट के पास जहाँ बच्चे की कब्र है, और वहाँ लोग ब्रांड कौन सी है, एनी कैन। ये ठीक है, होगा बच्चों का शमशान घाट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो होता ही है। लेकिन मेन बात जो हमें एक्सपोज करना है वो ये है कि यहाँ आवाज आती है कि नहीं आती, और जो आवाज आती है वो एक्सपोज कर दिया हमने, वो है क्या। तो इतने समझदार तो तुम भी हो। और सबसे जो मेन चीज है ना, जब हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं तो हमें देखने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ लग चुकी है ना, यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ लग चुकी है। एक बार दिखा दो, ऑडियंस खड़ी है यहाँ, ऑडियंस खड़ी है यहाँ पे, ये देखो। हाँ भाई, आज ये परेशान है दोनों बेचारे कि ये बंदे आए कहाँ से, यहाँ कोई नहीं आता। चंगू मंगू दोनों कह रहे हैं ये कौन है भाई। तो चलते हैं, चलो आगे, चलो और देखते हैं। एक ही ग्रेव दिखी है, और भी दिखी है अभी तो यार। जो पहले की ग्रेव्स होगी ना, वो झाड़ियों के नीचे हो, में भी झाड़ियों के नीचे होगी यहाँ पे भी लोग। ये रॉयल ग्रीन, रॉयल ग्रीन मतलब क्या है, हद। बाकी है ना थोड़ी सी बारिश होने के कारण ना बहुत ज्यादा उमस और बहुत ज्यादा ना यहाँ पे मतलब जंगल टाइप ज्यादा उग गया है, तो अंदर और ज्यादा कब्रें हो सकती हैं, बट जाना पॉसिबल नहीं अंदर यार। जाना पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई फाइनली उस जंगल में से तो थोड़ा बाहर निकल के आ गया है। यहाँ थोड़ी हवा सी लग रही है भाई, खुला खुला एरिया ना ये साइड वाले ही तो है जंगल पूरा। अब तुम देख लो इसमें हम कहाँ पे तो खड़े होंगे और कहाँ पे हम ग्रेव्स को दिखा रहे होंगे, आइडिया लगा सकते हो तुम। वहाँ क्या दिख गया,
चला गया कुछ? दोबारा आ गई क्या बात? अच्छा वहां पे रहना, कुछ नहीं है। और उधर बस जो ये बाउंड्री है ना शमशान घाट की, इसके इधर बस नाला है उधर की साइड। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे यार, वैसे हम वीडियो बनाने ही चाहते थे यहाँ की, ये भी भाई एक्सप्लेन कर देते हैं। वीडियो बनाने का कोई मतलब बनता नहीं ना यहाँ पे, कोई असली लोकेशन हो जिसको बताया गया हो, उन गूगल मेंशन हो, उसको तो बनाए भी। बस आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो बनाए, क्योंकि शमशान जो होता है ना हर एरिया में यार दो चार शमशान पाते ही पाते हैं। तो यार अगर ऐसे वीडियो बनाने तो किसी भी शमशान पे बना लो, बट बंदों ने यार बहुत अफवाह उड़ा रखी है। मैं दिन की दो वीडियो बना दूंगा शमशान शमशान की चाहिए तो। अपने एरिया में पाएंगे चार पांच, डेली बनाएंगे डेली, और डेली आवाज भी आएगी। बंदे कह रहे थे भाई आप जब तक नहीं जाओगे ना हमें ट्रस्ट नहीं होगा लोकेशन का, तो आपके लिए आना पड़ा है। अब ट्रस्ट हो गया ना, और जहाँ पे लोग मिथ मतलब अफवाह उड़ाते हैं वहाँ का मिथ हम क्लियर करते हैं। तो वो भी एक बात थी कि बंदों ने यहाँ की अफवाह बहुत उड़ा रखी है, बहुत ज़्यादा उड़ा रखी थी। ठीक है यार देख लिया, इसमें मतलब उस तरफ है शमशान, बीच में प्लॉट है पूरा। हाँ। और उस तरफ है जो असली बच्चों वाला शमशान घाट है, लेकिन और वो शायद ही किसी ने दिखाया होगा। नहीं दिखाया हो ना दिखाया हो अलग बात है, लेकिन आवाजें तो भाई हमें तो आई नहीं, और ना ही असली में आई है किसी को। और वो जो आवाजें थी ना वो एडिटिंग का कमाल था भाई, एडिटिंग करके तो यार हम यहाँ पे अभी चुड़ैल खड़ी हो जाएगी पीछे हमारे। चुड़ैल क्या, कई प्रकार की आवाजें निकल जाएगी यहाँ पे। वहाँ पर एक चिता चल रही है छोटी सी। तो ये है जो मेन शमशान घाट है, जो बड़ों का शमशान घाट है। यहाँ पर एक जल भी रही है चिता, वो लपट दिख रही है उसकी बोरी। और ये पीछे बच्चों को दफनाने के लिए छोटा सा कुछ एरिया दिया हुआ है उन्होंने। तो भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, टी शर्ट पूरी भीग चुकी है, और बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। आपने देख लिया होगा लोकेशन सारी क्या है क्या नहीं है। फर्स्ट पार्ट देख लेना ज़रूर जाकर, उसमें आपको उधर एक काली माता का मंदिर है वो भी देखने को मिलेगा जो इसके अंदर ही बना हुआ है। तो हमें तो अब तक कोई आवाज़ आई नहीं, पता नहीं हमें क्यों नहीं आती। आती उन्हें भी नहीं है भाई। हाँ वो दिखा दिया हमने कैसे आती, आती है? तो वो दोबारा आते ही नहीं। ये तो मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, अगर उनको एक बार बार आवाज आ जाती, उनको आवाज आने के साथ साथ और भी बहुत कुछ आ जाता, तो वो नहीं आते। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फर्स्ट पार्ट देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और लव यू, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखो अपना, अपने माता पिता का,